वेलकम टू माई चैनल, आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी नवरात्रि। सो अभी जो आप मेरे फेस पे ये मेकअप देख रहे हैं, ये मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट को यूज़ करके किया है एंड बहुत ही मिनिमम मेकअप है। आप देख सकते हो कॉन्टोरिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं मैंने यूज़ किया है, कोई भी आई शेडो वगैरह नहीं यूज़ किया है, बट फिर भी बहुत ही ब्यूटिफुल लुक निकल के आया है इस मेकअप का। सो ये लुक मैंने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हर वक्त हैवी मेकअप या डिफरेंट सा हैवी आई मेकअप वगैरह अच्छा नहीं लगता। एंड बहुत सारी गर्ल्स भी ऐसी हैं जिन्हें हैवी मेकअप पसंद नहीं है, सो उन गर्ल्स के लिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। ऑल्सो मेरे चैनल पर नए आए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। सो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो मैंने अपने फेस को अच्छे से प्रेप किया हुआ है, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से। सो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये ब्लू हेवन का प्राइमर, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल आता है एंड बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है। सो ये एक ब्लर प्राइमर है, मैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। सो ये बहुत ही अच्छे से आपके पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है एंड आपके फेस पे एक लेयर देता है आपके फाउंडेशन एंड आपके स्किन के बिटवीन। सो या देन मैं यहाँ ले रही हूँ NYV का ये कंसीलर स्टिक। सो अपने अंडर ऑफ द आईज एंड ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड एंड अराउंड माई माउथ एरिया मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। एंड मैं यहाँ आज कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूँगी, सो मैं जस्ट कंसीलर अप्लाई करूँगी। सो मुझे अपने लुक को बहुत ही सटल रखना था इसलिए मैं कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ। एंड ये जो कंसीलर स्टिक है ये क्रीम कंसीलर स्टिक है, सो ये फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड मेरे स्किन पे ये बहुत अच्छे से जाता है क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। सो या देन इसे हम सेट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है एंड ब्रश की हेल्प से मैं अपने सारे एरियाज पे जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ इसे अप्लाई कर लूँगी। देन मैंने सेम कंसीलर स्टिक लिया है, इसे मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी। सो उसे भी कंसील करूँगी थोड़ा। देन इसे भी सेट कर लेना है नहीं तो क्रीज हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ हिमालया का यह आईब्रो पैलेट एंड इसमें से मैं लूँगी ये ग्रे शेड एंड इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। एंड मैं बहुत ही नॉर्मल फिल कर रही हूँ, कोई भी ड्रामेटिक सा फिल नहीं कर रही हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ स्पूली मैं अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूँगी। देन मैंने यहाँ सेम आईब्रो पाउडर की हेल्प से सेम विंग ड्रॉ कर रही हूँ अपने पाउडर आईज पे, आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा। एंड जो ये जो ब्रश है ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, बहुत हेल्प करता है। एंड मैं लिटिल बिट विंग भी ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। देन मैं अपने इनर कॉर्नर में भी विंग ड्रॉ कर रही हूँ, सो फेस्टिव सीजन है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो जो भी प्रोडक्ट ब्रश पे लेफ्ट था मैं उसे अपने लोअर लेस लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। सो मैंने स्ट्रेकर की मैंने लिपस्टिक में से ये शेड लिया है। सो शेड ने मुझे याद नहीं है बट ये एकदम मरून रेड इन शेड में है। सो मेरा जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही सिंपल है इसलिए मैंने थोड़ा लिपस्टिक को बहुत ही डार्क सा रखा है एंड ये एक ग्लॉसी टाइप ऑफ है तो मैं इसे मैट लुक देने के लिए पाउडर अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे, आप देख सकते हो। एंड यहाँ आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक मिलने वाला है। सो जो भी प्रोडक्ट मेरे ब्रश पे आ गया था उसे मैंने अपने चिक्स पे अप्लाई कर लिया एज अ ब्लश, इससे मेरे जो प्रोडक्ट है वो बर्बाद भी नहीं हुआ एंड मेरा ब्लश भी बच गया। सो या
नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर एंड दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. सो इसे मैं अपने चिक बोन्स पे, फर हेड पे, टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज एंड माई चिन एरियाज पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी मैं. एंड फेस्टिवल सीजन है तो हाइलाइटर तो होना ही चाहिए. या देन मैंने लिटिल बिट अपने ब्राउ बोन को भी हाइलाइट किया, जस्ट लिटिल बिट. तो मैं यहाँ मस्कारा लगाना भूल गई थी लास्ट में, सो मुझे याद आया. सो मैं यहाँ अपने आई सॉरी लैसेस को कर्ल कर रही हूँ, आप देख सकते हो डिफरेंस. देन मैंने यहाँ लोटस का मस्कारा अप्लाई किया है, पता नहीं कैसे भूल गई मस्कारा लगाना, बट भूल गई, बट फाइनली याद आ गया था. सो या वी ऑल सेट एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज. सो इस लुक का जो मेन जो फोकस है वो इयररिंग पे ही है, और जो ओवरऑल लुक निकल के आया है वो भी बहुत प्यारा है, बहुत ही सिंपल सेटल है. तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये लुक कैसा लगा एंड आपको मेरी इयररिंग कैसी लग रही है. सो या अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन. सो या That's all for today's videos. अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़.